केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एमपी दौरे का आज आखिरी दिन है। आज भी अमित शाह कई संभागों की बैठक लेंगे। सबसे पहले अमित शाह सुबह 11:30 बजे इंदौर संभाग की बैठक कर संभाग में आने वाली सभी सीटों का हाल जानेंगे और नेताओं से उनके विधानसभाओं की जानकारी लेंगे। इसके बाद अमित शाह ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। यहां करीब दोपहर 2:30 बजे से ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक लेंगे। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें आती हैं। शाह सभी सीटों का समीकरण जानेंगे और फिर यहां स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो आज कई संभागों की बैठक लेने वाले हैं अमित शाह। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे से बैठकें शुरू हो जाएंगी। नेताओं कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो शाह के दौरे का आज आखिरी दिन इंदौर संभाग की सुबह 11:30 बजे बैठक लेंगे। विधानसभाओं की जानकारी शाह इस बैठक में लेने वाले हैं। इसके अलावा समीकरण जानने की कोशिश की जाएगी। फिर इंदौर संभाग की बैठक के बाद ग्वालियर भी जाएंगे, जहां पर ग्वालियर चंबल संभाग की लेंगे बैठक। तो लगातार 2 दिनों से बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग संभागों की बैठक ले चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आज का कार्यक्रम अमित शाह का क्या रहेगा, कैसे कैसे उनका स्केड्यूल रहेगा आज का, चूंकि आज उनका आखिरी दिन है तो जाहिर सी बात है आज का आखिरी दिन काफी अहम रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए आज आखिरी दिन है, नामांकन का दिन, जहाँ पे बीजेपी के भी कई बड़े नेता आए हुए हैं। तो शायद आज कैलाश विजयवर्गीय सुबह नामांकन भरेंगे 10 बजे से लेकर, तो शायद केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी नामांकन में शामिल हो सकते हैं। यही आज कांग्रेस ही प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कमलनाथ जी का भी इंदौर आना हुआ है, कमलनाथ जी भी कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के साथ शामिल रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि इंदौर में सुबह 11:30 बजे बैठक होने जा रही है, जहां पर चंबल संभाग की वो इंदौर संभाग की दरअसल वो बैठक लेने वाले हैं, बैठक में क्या रह सकता है, कौन कौन यहाँ पर शामिल रहेगा और कितनी देर तक ये बैठक चलने वाली है? जी बिल्कुल, इंदौर में आज ये बड़ी बैठक है, पूरे इंदौर के संभाग की बैठक है। ये 33 विधानसभाओं के विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे और कई जो विधायक प्रत्याशी है वो भाजपा से, वो सब मौजूद रहेंगे और इंदौर के सभी वरिष्ठ नेता और सब जितने भी भाजपा के अध्यक्ष हैं या 33 विधानसभाओं से, वो सभी लोग मौजूद रहेंगे बैठक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो इंदौर के बाद ग्वालियर जाएंगे अमित शाह, जहां पर ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक लेने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्जैन के शहीद पार्क